है गाइज, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या सोनेट है, और हम इसमें रिफ्लेक्टर कर रहे हैं इंस्टॉल और अपनी डिग्गी लाइट कर रहे हैं इंस्टॉल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को लाइक करें। जैसे कि हमने ये बम्पर खोला हुआ है और जो रिफ्लेक्टर कंपनी का लगा हुआ है वह ओनली डब्बी है और वह हमें निकाल देनी है। जो ये आप देख रहे हैं ओनली ये लाइट नहीं है, ओनली डब्बी है और ये आपको निकाल देनी है। ये कंपनी की ही लगी होगी डब्बी और ये आपको बाहर निकाल देनी है। बाहर निकालने के बाद फिर आप इसमें रिफ्लेक्टर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अपना रिफ्लेक्टर है, जो अपना है रिफ्लेक्टर मैट्रिक्स में, और मैंने आपको बताई दिया है इसमें तीन ऑप्शन हैं, ब्रेक हो गया, इंडिकेटर हो गया और पार्किंग हो गई। और ये हम इसमें इंस्टॉल करेंगे जिस पे सोनेट लिखा हुआ है और निजल रिफ्लेक्टर है क्या सोनेट का ही। अब हम रिफ्लेक्टर खोल लेते हैं, और रिफ्लेक्टर में आपके दो स्क्रू लग रहे हैं, दो स्क्रू आपको खोल देने हैं। खोल देने के बाद फिर आपको ये बाहर निकाल देना है और ये बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएगा। और रिफ्लेक्टर कर दिए हमने इंस्टॉल, और जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे सोनेट लिखा हुआ है और ये ओरिजिनल रिफ्लेक्टर है अपना, और एकदम प्रॉपर फिटिंग के साथ इंस्टॉल किया है, कहीं से कोई इशू नहीं है। इस पे भी सोनेट लिखा हुआ है ऑलरेडी, और बड़ी अच्छी क्वालिटी है। और जो हमने रिफ्लेक्टर इंस्टॉल किए हैं उसकी वायरिंग के बारे में बात करेंगे, और जैसे कि ये वायरिंग है अब इसमें हम आपको बताएंगे कौन सा तार किसका है, कौन सा तार किसका है। और जो आपका ब्लैक तार है ये हो गया अर्थिंग, जो वाइट तार है ये हो गया आपका पार्किंग, जो रेड है ये ब्रेक हो गया, और जो अपना ये वाला तार है येलो ये अपना इंडिकेटर हो गया। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रेड तार वाइट में पार्किंग का कौन सा, ब्रेक का कौन सा है, तो आपको लगा कि आप चेक कर सकते हैं कि जो ब्रेक का होगा उसमें लाइट थोड़ी सी ज़्यादा जलेगी और जो पार्किंग का उसमें लाइट कम जलेगी, ठीक है। और ये अपनी डिग्गी लाइट है और इसकी ये वायरिंग है, ये भी इंस्टॉल करने वाले हैं हम एकदम प्रॉपर फिटिंग के साथ। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये अपनी डिग्गी लाइट है, और अब हम इसको खोल रहे हैं। ये डिग्गी लाइट वे है जो ओनली डब्बी डब्बी है, इसमें लाइट वगैरह कुछ नहीं है। और आपको अंदर से डिग्गी की पैड खोल लेनी है, जो फिर आपको चार डिवरी और खोलनी है, जो अपनी डिवरी होंगी 10 नंबर की और चार होंगी वह खोलनी अंदर से, बड़ी आसानी से खुल जाएगा। खुलने के बाद फिर ये आप पेचकस से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से और अच्छे से, जैसे हमने निकाल दी है और कहीं से कोई डैमेज नहीं हुई है। और अगर हम इसको कभी लास्ट टाइम लगाना चाहें वापस और लगा भी सकते हैं, और कहीं से ये डैमेज नहीं हुई है, बड़ी आसानी से निकाल दी हमने। और अब भी जब निकालो आप और पेचकस से निकालें बड़ी आसानी से निकल जाएगी, ज़्यादा और हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, नॉर्मली है। ये अपनी डिग्गी लाइट है, और अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे कुछ देर में, और कुछ देर के बाद आप देखना देखिए कैसे लगती है और कैसी इसकी फिटिंग आती है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ये अपनी कंपनी वाली लाइट है और जो अभी खोली हमने, और इसमें से कैमरा हमें खोल लेना है। कैमरा खोलने के बाद और जो लाइट हम इंस्टॉल कर रहे हैं उस लाइट में हमें ये लगा देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और हम इसे खोल रहे हैं और उस लाइट में इंस्टॉल करते हैं। जो ये कैमरा है, कैमरा हमने खोल दिया है, और खोलने के बाद अब इस कैमरे को हम जो लाइट हम इंस्टॉल कर रहे हैं उस लाइट में हमें लगा देना है, बड़ी आसानी से लग जाएगा। ओनली चार स्क्रू खोलना है, कुछ भी नहीं करना आपको। और अब हम इसको इसमें लगा देते हैं जो लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं हम, और हमने ये लगा दिया है और स्क्रू टाइट हो चुके हैं, और अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसकी एक कुछ वायरिंग है और अब हम इसको लगाते हैं, करते हैं स्टार्ट।
आपके रिफ्लेक्टर हो गए इंस्टॉल और अपनी डिग्गी लाइट इंस्टॉल हो चुकी है। और ये अपनी पार्किंग है, ये है अपना ब्रेक, और ब्रेक पे थोड़ी सी लाइट ज़्यादा जलेगी, रोशनी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। और अपना ये ब्रेक ही है अभी तो। और ये अपना है इंडिकेटर राइट साइड का, जो इंडिकेटर वह ऐसा आएगा रिफ्लेक्टर में और डिग्गी लाइट में। ये लेफ्ट का हो गया, और हमने इंडिकेटर चारों ऑन कर दिए हैं। और चारों इंडिकेटर ऑन करने के बाद फिर आपको ये रिफ्लेक्टर ऐसे रनिंग होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस पे सोनेट लिखा हुआ है, और बड़ी अच्छी क्वालिटी है। मैं इतनी तारीफ़ भी नहीं कर रहा, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं हमें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारी फिटिंग के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर सबसे ज़्यादा करें वीडियो को। We'll be right back.